हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ऋतुव्रत। यह है Hyundai Creta का SX Executive वेरिएंट। आप लोगों ने कहा है फिर से वीडियो चाहिए 2023 के अंदर, आपके लिए वीडियो हाजिर है। डिटेल में देखेंगे क्या क्या फीचर है, किन के लिए सही में ये कार रहेगा। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें पेट्रोल मैनुअल SX Executive का, आज के दिन अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख के आसपास ऑन रोड कॉस्ट करता है। यह प्राइस बढ़ चुका है। सबसे पहले क्विकली पीछे वाला लुक देख सकते हो, LED लाइट सेटअप दिया जाता है, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना, सब चीज़ आपको मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं लेदर सीट्स जो आपको SX में मिलता है वही चीज़ यहाँ पे भी दिया जाता है। जो पिलो है वो भी यहाँ पे दिया जाता है। उसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जी हाँ, कुछ एक ऐसा इंटीरियर दिया जाता है। स्पेशल थैंक्स अभी मैं कहूँगा मेगना Hyundai बोंगाईगांव को ये वीडियो में शूट करने देने के लिए। Hyundai का कोई भी कार अगर आपको लेना है डेफिनेटली आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका फोन नंबर रहेगा और कॉन्टैक्ट ही नहीं, आप जो है बुकिंग भी करा सकते हो। ये वाला कार जैसे स्टॉक के अंदर है, लोन EMI का भी कुछ भी जानना है तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल पे चले आते हैं। आप लोगों का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है क्या SX Executive के अंदर DRL है। जी हाँ, इसके लिए मैंने आज जला के रखा है, आप देख सकते हो। DRL और LED सेटअप जो ट्रायल बीम LED है वो आपको पे Hyundai SX Executive में ऑफर करता है। इसके लिए बहुत एक सही वेरिएंट ये हो जाता है। उसी के साथ अगर आप यहाँ पे ग्रिल देखते हैं, ये वाला क्रोम के वजह से सराउंड जो है बहुत अच्छा यहाँ पे निकल के आता है, डेफिनेटली कहूँगा। और ये फिनिशिंग जो है काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी सेंटर में Hyundai का लोगो तो है ही। यहाँ पे नीचे चला था बम्पर के अंदर भी डुअल टोन के अंदर क्लैडिंग यहाँ पे आपको कंपनी ऑफर करता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो 190 mm का दिया जाता है तो कोई भी ऐसा टेंशन नहीं है कि टच होगा नहीं होगा, ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं इंडिकेटर और फॉग लाइट जो है वो आपको नीचे मिलता है वेंट्स है यहाँ पे, ताकि जो व्हील्स है सामने वाला वो हीट अप ना हो लॉन्ग जर्नी अगर आप कंटिन्यूस ड्राइव करते हैं। और जो डिस्क है वो भी यहाँ पे वेंटिलेटेड दिया जाता है। साइड से क्या लगता है क्रेटा देख सकते हो, ऑल बॉडी क्लैडिंग आपको यहाँ पे ऑफर करता है। यहाँ पे तो ब्रश एल्यूमिनियम जो है वो भी मिलता है। और यहाँ पे अगर आप एलॉय देखते हैं, मेरा पर्सनली ना ये फेवरेट एलॉय का डिज़ाइन है। ये ब्रश एल्यूमिनियम के साथ जो अच्छा लगता है ना एक SUV के अंदर, जो रगिडनेस है वो आपको यहाँ पे डेफिनेटली मैं कहूँगा फील होता है। अब इसी के साथ अगर आप यहाँ पे डिस्क देखते हैं तो वो आपको यहाँ पे ऑफर करता है। टायर साइज़ यहाँ पे आपके सामने 215 सेक्शंस आपको यहाँ पे ऑफर करता है। और R17 एलॉय है यहाँ पे, 17 इंचेस का एलॉय आपको जो है टॉप मॉडल वाला ही दिया जाता है। डोर हैंडल देखते हैं तो जी हाँ, बॉडी कलर के अंदर है। रिक्वेस्ट सेंसर जो वो आपको ड्राइवर साइड में दिया जाता है। ORVM जो है यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिया जाता है। पीछे चले आते हैं, ये वाला जो डिज़ाइन है ना मुझे क्रेटा का बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से जो रूफ रेल है वो भी सेम कलर के अंदर है तो अच्छा यहाँ पे डेफिनेटली डिज़ाइन निकल के आता है। शार्क फिन एंटेना है, जो सनरूफ है वो आपको पैनोरमिक दिया जाता है। डिफॉगर यहाँ पे आपके पास रहने वाला है। स्पॉइलर जो है डुअल टोन के अंदर है। ब्रेक लाइट जो है वो क्रेटा के अंदर यहाँ पे इंटीग्रेटेड के अंदर पेनो ब्लैक के अंदर तो अच्छा डेफिनेटली निकल के आता है। क्रेटा का जो बैजिंग है वो यहाँ पे है। बम्पर देखते हैं डुअल टोन के अंदर है। पार्किंग सेंसर जो है वो आपको यहाँ पे बेसिकली देखने में मिलता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस है, क्लैडिंग जो है वो आपको यहाँ पे रहने वाला है। कैमरा आपको जो है पीछे मिलता है। बाकी बूट खोल लेते हैं, काफ़ी हैवी बूट है देख सकते हैं आप। पर्सनल ट्रे आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करता है ऑब्वियसली। और जो बूट स्पेस है ना बहुत अच्छा बूट स्पेस है, प्रैक्टिकल बूट स्पेस है। और ये ना बिल्कुल फ्लैट है, मोस्टली ऐसा चीज़ें हम लोग देखते नहीं है। थोड़ा बहुत लोडिंग लिफ्ट है, बस आपको बैग यहाँ तक लाना है, हैवी बैग या फिर कोई भी सामान और खिसका दो, बस इतना है। तो ये सब चीज़ें छोटा मोटा चीज़ें ना Hyundai के अंदर ही आपको मिल सकता है। बहुत ध्यान रख के एक लग्जरी कार क्या क्या फील होना चाहिए वो चीज़ मिलता है। नीचे अगर आप स्पेयर टायर देखते हो, जी हाँ, ये जो है एक साइज छोटा मिलेगा, 205/65 R16 मिलता है। और ये स्टील व्हील है और जो एक्सेसरी है वो आपको वहाँ पे कंपनी ऑफर करता है। बूट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ये काफ़ी भी है, हल्का नहीं है। अच्छा, यहाँ पे चले जाते हैं, ये हो गया आपका इंटीरियर। अगर आप डोर देखते हैं ड्राइवर साइड तो कुछ डुअल टोन के अंदर ऐसा है। यहाँ पे ना आप फिट एंड फिनिश देखिए, बिल्कुल पैनल गैप आपको देखने में नहीं मिलता, इतना सही क्वालिटी है। यहाँ पे आपके पास ट्विटर के लिए स्पेस है। स्पीकर जो है वो ग्रिल यहाँ पे आपको देखने में मिलता है। यहाँ पे आपके पास बॉटल होल्डर है, यहाँ पे भी आपको स्पेस दिया जाता है, यहाँ पे स्पेस है। प्रैक्टिकल तो है बाइक रेटा, इसके लिए इतना बिकता है। बाकी यहाँ से आप जो आर वे में इनको कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ से राइट और लेफ्ट का एडजस्टमेंट जो है वो है। बाकी पावर विंडो का जो कंट्रोल है वो है, एलिमिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ से आप जो कंट्रोल है वो कर सकते हो। बाकी डोर पैनल भी यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग यहाँ पे मिलता है। अगर आप लॉक देखते हैं बेसिकली डोर हैंडल का, तो ये है। बाकी अगर आप ड्राइवर सीट देखते हो, ऑब्वियसली हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करता है, यहाँ पे आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, फ्यूल लीड आप यहाँ से खोल सकते हो। पैडल्स आप देख सकते हो, डेड पैडल आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करता है। दरवाज़ा खोलते हैं। Hyundai के अंदर अक्सर मैं कहता हूँ एक जो सूदिंग सा साउंड आता है जब आप बंद करते हैं और जब आप खोलते हो, ये वाला साउंड ना बहुत मुझे मतलब सेटिस्फाइंग लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अंदर चले आते हैं।
और एनिमेशन देखना, स्टार्ट स्टॉप बटन ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिया जाता है, जो चाबी है वो कुछ ऐसा आपको जो है कंपनी ऑफर करता है। यहाँ से आप लॉक अनलॉक एंड होल्ड करके आप स्टार्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे बूट आप खोल सकते हैं, कुछ ऐसा सा एनिमेशन दिया जाता है। TPMS आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करता है, MID अगर मैं यहाँ पे शो कराऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे भी इनको जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं और ये हो गया आपका डिजिटल स्पीड। बहुत क्लासेस है, एक जो MID है वो है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बट जितना है काम का है, आपको एवरेज शो करता है, TPMS टायर प्रेशर शो करता है, सेटिंग्स आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो और क्या चाहिए। स्टीयरिंग को आप यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट बेसिकली कर सकते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, यहाँ से तो मैंने शो करा, आप क्रूज कंट्रोल और जो MID है इनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ राइट साइड में आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल्स दिया जाता है, लेकिन SX एग्जीक्यूटिव के अंदर जो चीज़ आपको नहीं मिलता वो है म्यूजिक सिस्टम। जी हाँ, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे आपको नहीं मिलता, ये बेसिकली है SX वेरिएंट ही, बट जो म्यूजिक सिस्टम और जो ब्लू लिंक है वो आपको यहाँ पे कंपनी नहीं ऑफर करता। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं जेन्युइन वाला लगवाना वो आप शोरूम की तरफ से लगवा सकते हो, 30-35,000 के आसपास यहाँ पे कॉस्ट करता है। अगर आप लोअर वेरिएंट वाला लगवाना चाहते हो वो भी आप लगवा सकते हो, अगर आप बाहर से एंड्रॉयड वाला लगवाना चाहते हो शोरूम के अंदर भी ऑफर करता है, वो भी आप यहाँ पे लगवा सकते हो। लेकिन बाकी जो सारा चीज़ है, जैसे कि कैमरा आपने देखा, MID जो है, स्पीकर जो है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया जाता है, एम्बिएंट लाइट जो है वो भी यहाँ पे आपके पास रहने वाला है। यहाँ से अगर आप देखते हैं यहाँ पे प्रॉपरली ना, हमने जो है फोन को आई हाइट पे पकड़ के रखा है, बिल्कुल जो विजिबिलिटी है बहुत सही है, बोनट यहाँ पे विजिबल है, तो जो कॉन्फिडेंस है वो मिलता है। अगर आप ऐसे पकड़ के चलाते हो क्या ही मजा आएगा, तो कॉन्फिडेंस तो भाई क्रेटा के अंदर है, बाकी अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ डैशबोर्ड का जो फिट एंड फिनिश है, यहाँ पे आपके पास लेदर है, स्टिचिंग बहुत अच्छा है, प्लास्टिक क्वालिटी अच्छा है। ग्लो बॉक्स अगर आप चेक करते हैं तो कुछ ऐसा है, वेंटिलेटेड ग्लो बॉक्स आपको यहाँ पे दिया जाता है। क्वालिटी जो Hyundai के अंदर मिलता है ना वो आपको किसी भी कार के अंदर नहीं मिलता। बाकी हाँ, यहाँ पे आपके पास लेदर जो है वो है, स्टिचिंग काफ़ी सही है और पकड़ के तो फ्लैट बॉटम है, तो एक स्पोर्टी ऐसा जो फील है वो डेफिनेटली यहाँ पे रहने वाला है। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम तो खैर नहीं आपको बता ही दिया, नीचे चले जाते ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको डेफिनेटली इस वेरिएंट के अंदर दिया जाता है, और आप जो भी टेम्परेचर सेट करोगे उसके हिसाब से चलता रहेगा। अगर आपको मैन्युअली कंट्रोल करना है तो वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी यार स्विचेस का क्वालिटी माशाल्लाह, इसे बस कहूँगा, हैजर्ड लाइट आप जो है ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे चले आते हैं तो वायरलेस चार्जिंग पैड आपको जो यहाँ पे कंपनी ऑफर करता है। हम लोग यहाँ पे अगर फ़ोन रखते हैं, जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे देखते हैं नीचे 12 वोल्ट पावर सॉकेट है, USB है, फर्स्ट चार्जिंग के लिए USB आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं 6+ रिवर्स गियर आपको मिलता है, कैमरा आपको पीछे डेफिनेटली है बट जब भी आप म्यूजिक सिस्टम लगवाओगे तब ये जो है एक्टिव हो जाएगा। बट गियर कितना स्मूथ है आप अगर यहाँ पे देखते हैं, जी हाँ, फिफ्थ गियर यहाँ पे लग गया, तो इतना ज़्यादा स्मूथ आपको जो है ट्रांसमिशन यहाँ पे दिया जाता है। बाकी ये वाला फिट एंड फिनिश भी काफ़ी सही है। दो कप होल्डर आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करता है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे आर्मरेस्ट यूनिट, अगर आप देखते हैं लेदर वाला यूनिट है, काफ़ी वाइडर है, तो आराम से यहाँ पे मैं हाथ रख रहा हूँ तो इधर भी कोई हाथ रख सकता है, नीचे भी आपके पास स्पेस यहाँ पे रहने वाला है। सीट्स यार, क्रेटा का सीट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं कभी भी किसी भी कार के अंदर बैठूँ ना, अगर वो 15-18 लाख के बजट के अंदर आता है, मैं कंपेयर क्रेटा के साथ ही करता हूँ अक्सर। अगर आप मेरा वीडियोस अच्छे से फॉलो करते हैं, इस बजट के अंदर हर एक कार को मैं इसी के सीट के साथ कंपेयर करता हूँ, तो मज़ा डेफिनेटली आप इससे समझ सकते हो। लेदर का क्वालिटी प्रीमियम है, कुछ नहीं है, वाइडर है, साइड भी अच्छा है, अंदर से सपोर्ट मज़ेदार मिलता है। कम्फर्ट के अंदर तो भैया क्रेटा को यहाँ पे कंप्लेन कर ही नहीं सकते, सिंपली कहूँगा, आप खुद आके बैठना, मज़ा आपको डेफिनेटली आएगा। बाकी पीछे एक बार देखते हैं स्पेस कैसा है। इस सीट को मेरे अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट करके रखा है, मेरा हाइट 5'8" है। और हाँ, सनरूफ को कैसे हम लोग भूल सकते हैं, पैनोरमिक सनरूफ आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये डेफिनेटली यहाँ तक खुल जाता है और फिर से हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। एंड ड्राइवर साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास टिकट होल्डर जो है वो रहने वाला है, और यहाँ पे आपके पास जो मिरर है वो रहने वाला है। सनग्लोस होल्डर आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करता है, और जो लाइट्स है वो आपको यहाँ पे LED लाइट कंपनी ऑफर करता है। जी हाँ, अब एक बार पीछे चलते हैं और स्पेस देखते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ मुझे शो हुआ वो है ये कंपनी फिटेड कर्टेन जो है वो आपको इस वेरिएंट के अंदर दिया जाता है। फिट एंड फिनिश टॉप नॉच, जैसे सामने है वैसा ही है। पावर विंडो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीकर ग्रिल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हो, और भी स्पेस है तो प्रैक्टिकली आप चीज़ें रख सकते हैं। अब इन एंड आउट की बात करते हैं, बिल्कुल बहुत आसानी से मैं यहाँ पे चढ़ गया। हाइट ज़्यादा है बट फिर भी, क्योंकि वाइड ओपनिंग आपको यहाँ पे दिया जाता है। पीछे आपके पास सीट पॉकेट रहेगा, AC वेंट्स वो आपको पीछे दिया जाता है, फास्ट चार्जिंग
टाइप मतलब यूएसबी सॉकेट जो है वो है। सेंटर में कोई ज़्यादा हम तो नहीं है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत भी यहाँ पे नहीं होगा कि पैर रखने में कोई ज़्यादा ही टेंशन हो गया, नहीं। और यहाँ पे मैं आराम से पैर रख सकता हूँ। और स्पेस में अगर बताऊँ, मेरा हाइट 5'8" है, जैसे देखा था आपने, ये वाला सीट मेरे अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट करके रखा है और मैं कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास कुछ इतना ज़्यादा लेग रूम है। और तो मैं क्या ही कंप्लेन करूँ यहाँ पे, खैर। तो स्पेस वाइज तो बहुत सही है, हेडरूम तो SUVs के अंदर अच्छा रहता ही है, LED लाइट यहाँ पे आपके पास रहने वाला है तो ऑब्वियसली ऐसा ही रहता है। और यहाँ पे कंफर्टेबली मैं यहाँ पे सर रख के बैठ के जा सकता हूँ। आर्मरेस्ट जो है वो भी यहाँ पे है, बट ये शायद निकलेगा नहीं, नहीं क्योंकि ये प्लास्टिक है, नहीं निकालते हैं क्योंकि आज इसका डिलीवरी है। तो मैं कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ के लॉन्ग ट्रिप्स कर सकता हूँ। 3 बंदा तो पर है, कंफर्टेबल हम लोग यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे पीछे होकर एडजस्ट करेंगे ना तो 4 भी यहाँ पे आप एडजस्ट हो सकते हैं। फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फिर दोस्तों के साथ एडजस्ट हो ही जाएंगे। बाकी अब बात करते हैं इंजन के बारे में। 2 बेसिकली आपको यहाँ पे इंजन ऑप्शन देखने में मिलता है पेट्रोल और डीजल के साथ, बट ओनली आपको मैनुअल के साथ ही SX एग्जीक्यूटिव ऑफर करता है कंपनी। पेट्रोल वाला तो खैर नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 जो इनका पेट्रोल है वो आपको देखने में मिलता है 4 सिलेंडर के साथ। ना कोई नॉइस या फिर वाइब्रेशन आपको चाहे आप कुछ कर लो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, और चला के भी मजा आता है। लीनियर पावर और डिलीवरी आपको यहाँ पे देखने में मिल जाता है। कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा माइलेज क्लेम करता है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो 16-17 आप हाईवे और सिटी को मिला के निकाल सकते हो, डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग के अकॉर्डिंग। उसी के साथ अगर आप डीजल की बात करें तो खैर ये तो डीजल रॉकेट है, हम सभी को पता ही है। 1.5 टर्बो डीजल यहाँ पे 4 सिलेंडर वाला इंजन देखने में मिलता है मैनुअल के साथ, बड़ा मस्त चलता है। मतलब ऐसा है, रिफाइनमेंट अच्छा है, वाइब्रेशन तो बिल्कुल नहीं है कैबिन के अंदर, बहुत आइसोलेशन बेहतरीन है। उसी के साथ जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको मतलब 0-100 भी बात करें तब भी आपको बहुत एक अच्छा सा पंच देखने में मिलता है, कोई भी आपको लैग देखने में नहीं मिलने वाला, तो चला के तो मजा आता है। बाकी देखिए सेफ्टी भी सही है, ग्लोबल एनकैप में इसे 3 स्टार मिला हुआ है। 6 एयरबैग आपको इस ब्रांड के अंदर कंपनी ऑफर करता है। बाकी ABS CVT ESP हिल होल्ड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल तो देखने में मिलता ही है। रेयर सीट की वजह से और जो रोड प्रेजेंस और ब्रांड वैल्यू है ना, डेफिनेटली मैं इस कार को आपको रिकमेंड करता हूँ। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, फिर इंस्टा पे DM कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जय हो, बाय गाइस।